हेलो दोस्तों, अगर आपके शरीर में वात, पित्त और कफ है, या आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या आपको जॉइंट्स पेन की समस्या है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह है खजूर, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इसमें 0.2 ग्राम प्रोटीन होता है, 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 0 ग्राम से फैट होता है। खजूर में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन अच्छा स्रोत है। यह शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। इसके बीज निकाल के हमें इसका जो कवर है उसे निकाल लेना है। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। हमारे पेट में कब्ज़ की समस्या है उसको भी यह बहुत हद तक दूर कर देता है। हमें इसी तरीके से सारे खजूर के बीज निकाल के हमें इसको साफ़ करना है। ये मैंने लिए हैं 1 किलो खजूर। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, मैंने इनको सबको कवर से निकाल लिया है। बीज को एक साइड कर लिया है, जो इसका ऊपर का कवर है वो मैंने एक साइड में कर लिया है। अब हमें मिक्सी में इसको पीसना है, तो मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। इस तरीके से पीसेगा दरदरा। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि ये चिपक जाता है, आप चला के बंद करके इस तरीके से पीसें। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें लिया है मैंने देसी घी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, आप डब्बे वाला घी बिल्कुल ना लें जो मार्केट में मिलता है। अगर घर का घी है तो ही इसका यूज़ करें। तो ये लिए हैं मैंने बादाम, इनको मैंने काट लिया था। अब ये बादाम है जो जॉइंट्स पेन में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत होता है। अब मैं ले रही हूँ इसमें काजू। जितने मैंने बादाम लिए हैं उतने ही काट के मैंने काजू लिए हैं। ड्राई फ्रूट कम और ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ड्राई फ्रूट का भी नुकसान नहीं करते दोस्तों। ये घर की चीज़ें हैं, सिर्फ फ़ायदा करती हैं, नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। अब हम इसको धीरे गैस पे पका रही हूँ। आप देख सकते हो इसमें बबल्स उठ रहे हैं धीरे धीरे। हमें इनको इसी तरीके से भूनना है, बिल्कुल लो गैस पे। इसी तरीके से मैं इनको धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से भून रही हूँ। इनमें धीरे धीरे भूनोगे ना, सौंधी सौंधी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी आपको थोड़ी देर में। तब आप समझ लेना कि जो हमारे काजू और बादाम हैं वो बिल्कुल भून चुके हैं। जब आप इनको भून लें तो इस तरीके से पौनिया में छान के आप इनको निकाल लें। जो घी है वो नीचे रह जाएगा और जो काजू और बादाम है वो ऊपर हमने प्लेट में निकाल लिए। अब जो घी बचा हुआ था उसमें ले रही हूँ मैं मगज। ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये है डेसिकेटेड कोकोनट, जो घर में गोले होते हैं ना, मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया था। इसको भी अच्छे से मैं घी में भून लेती हूँ। आपको बिल्कुल लो गैस पे भूनना है इसको और कंटिन्यू थोड़ा इसको चलाते रहें। इसमें से भी जो खुशबू आएगी बहुत अच्छी आती है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में आप एक बार बना लें और महीनों तक खाएं, बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। एनर्जी से भरपूर, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ज़रूर बनाएं, अपने बड़ों और बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैंने इनको भून लिया है, चलिए इनको फटाफट से निकाल लेते हैं। मैंने इनको सबको प्लेट पर निकाल लिया है। ये देखिए, अब कढ़ाई में घी नहीं है, अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। ये मेरे घर का घी है, कोई डब्बे वाला घी नहीं है। अब मैं इसमें ले रही हूँ पम्पकिन सीड्स। दोस्तों खुले वाले नाले मार्केट से, उसमें कीड़े वगैरह होते हैं या घुन खाए हुए होते हैं, आप हमेशा पैकेट वाले लें। यह है अनसॉल्टेड पिस्ते, ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाते हैं और प्रोटीन का बहुत बड़ा खजाना होते हैं। सर्दियों में आप ज़रूर खाएं, अपने बच्चों और बड़ों को सबके लिए बनाएं। दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब उनसे बहुत दूर रहेगा। अर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, घुटनों पे सूजन आ जाती है उसको भी कम करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको बिल्कुल धीरे धीरे गैस पे इनको भूनना है। अब मैं इसमें डालूँगी, ये हैं सनफ्लावर सीड्स। ये बहुत अच्छे होते हैं, प्रोटीन फाइबर से भरपूर होते हैं। इतने सारे मिनरल्स होते हैं इसमें जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इनको भी हमें धीरे धीरे भूनना है, फुल गैस पे नहीं भूनना है, वरना जो ये बीज हैं ये जल जाएंगे और इनका प्रोटीन सारा ख़त्म हो जाएगा। घी में हमको इन्हें बिल्कुल धीरे धीरे चलाते हुए भूनना है। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट भून चुके हैं। ये हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करते हैं, जॉइंट्स पेन को बहुत हद तक कम कर देते हैं, चर्बी को भी ये बहुत हद तक कम करते हैं, हमारे मोटापे को कम करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये भून चुके हैं, ये देखिए। जब ये बिल्कुल भून जाएं उसके बाद ही आपको इसमें किशमिश का ऐड करना है, पहले आपको इसमें किशमिश ऐड नहीं करनी है। तो ये भून चुके हैं, तब मैंने इसमें किशमिश डाली है। किशमिश हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट में कब्ज़ नहीं होने देती है और हमारे पेट को ये ठंडक भी देती है।
ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए, हमें इसको सिर्फ हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है किशमिश को। हमारा जो पाचन तंत्र है किशमिश से बिल्कुल मजबूत हो जाता है, पेट बढ़िया से काम करता है। तो चलिए, ये भी भुन चुकी है, हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट पे। मैंने उसी में सारी चीज़ें निकाल ली हैं, अलग अलग मैंने किसी को नहीं निकाला है। अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ जो खजूर थे ना मैंने पीसे थे, उनको डाल देती हूँ। अब खजूर को हम थोड़े टाइट लगेंगे आपको चलाने में, इन्हीं को भूनने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये सॉफ़्ट नहीं होगा ये बड़ी दिक्कत करता है भूनने में। तो ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ देसी घी। जब देसी घी में आप खजूर भूनोगे ना तो उसकी खुशबू इतनी प्यारी आती है कि आप जब बनाओगे तो आप कुछ कहोगे कि बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है, और जो रेसिपी बनेगी वो इतनी हेल्दी बनेगी कि दर्द तो आपसे कोसों दूर रहेगा। तो अब ये थोड़ा सा सॉफ़्ट हो गया है, ये देखिए जो हार्डनेस थी ना वो ख़त्म हो गई है, ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएगा गुड़ की तरह। तो ये देखिए, ये बिल्कुल भुन चुका है। आप इसमें गरम का इस्तेमाल ना करें, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए ना तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और जो रेसिपी बनाएंगे हम उसके बाद ही बनाएंगे। इसको इस तरीके से पलटते रहें ताकि ये नीचे से जले ना। तो ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है। अब जो चीज़ें थी मैंने सारी इसके अंदर डाल दी हैं, आप तभी इसको हाथ से मिलाएं दोस्तों जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, गरम से आपके हाथ जल जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हल्का सा गुनगुना हो जिसे आप बर्दाश्त कर सकें, बस तब इसको अच्छे से हाथों से मिलाएं। हाथों को पहले बिल्कुल साफ़ कर लें, क्योंकि हम एक हेल्दी चीज़ बना रहे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। दिमाग कंप्यूटर की तरह चलेगा, दर्द आपसे कोसों दूर रहेगा, आपकी कब्ज़ भी आपसे कोसों दूर रहेगी, आप पूरी सर्दियों हेल्दी रहेंगे। आप ये कहेंगे हम डेली एक लड्डू खाएंगे और शाम तक एनर्जी भरपूर रहेगी, तो इस तरीके से आप एक मात्रा लें लड्डू की। लड्डू आपको बहुत बड़े नहीं बनाने हैं दोस्तों, सिर्फ एक लड्डू इस इतनी क्वांटिटी का बनाना है। ये देखिए, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मेजरमेंट से लें और इसको इस तरीके से दबाते हुए लड्डू बनाएं, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। प्रोटीन से भरपूर, फाइबर से भरपूर, इसमें सारे प्रोटीन मिलेंगे जो आपकी बॉडी के लिए आपको ज़रूरत है। ये देखिए, हमने दूसरा भी बना लें। इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू रेडी करूँगी, आप भी इसी तरीके से कर लें, कोई भी कप कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट कर लें। तो ये देखिए, सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ इसके अंदर का टेक्सचर, बहुत ही हेल्दी है, माउथ वाटरिंग है और गुणों से भरपूर है। दर्द तो आपसे कोसों दूर रहेगा, एनर्जी से भरपूर रहेगा, वात पित्त कफ आपका तीनों चीज़ें कंट्रोल में रहेगी। वात पित्त और कब से ही अनेकों बीमारी जन्म लेती हैं हमारे शरीर में। तो चलिए, हम खजूर को और कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये 6 खजूर थे, मैंने इनको छील लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी, इसको डाल के मिक्सी में हमें इसको एक पीसना है, पेस्ट बनाना है। तो चलिए, मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखिए, दरदरा सा पेस्ट है, थोड़ा सा चिपचिपा सा, ये देखिए। अब हमें इसको लेना कैसे है, बात आती है कब लेना है। तो चलिए, अब हम इसे एक पतीले में एक गिलास दूध डाल देते हैं। तो मैंने एक गिलास दूध डाल दिया है। अब इसमें उस खजूर को डालेंगे जो अभी हमने पीसा था। दोस्तों, आप इसे रात को सोते टाइम लें, और जो हमने लड्डू बनाए थे प्रोटीन से भरपूर, आप उसको सुबह सुबह लें। इसको रात को लें और लड्डू आपको सुबह लेने हैं। इसमें 2 पिंच सौंठ डाल रही हूँ। सौंठ पाउडर बहुत अच्छा होता है सर्दियों में दोस्तों, ये हमारे जॉइंट्स पेन अर्थराइटिस में बहुत हमारी मदद करता है, दर्द हमसे कोसों दूर रहता है। अब हमको ये बिल्कुल धीरे गैस पे पकाना है, तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको रात को सोते टाइम लेना है दोस्तों। और जो लड्डू बनाए थे वो आपको मॉर्निंग में ले लें, दोपहर को ले लें, जब आपका मन करे आप लड्डू खा सकते हैं। चुटकी भर मैंने हल्दी डाली है, अच्छी होती है। तो ये देखिए, मैं हल्दी डाल के इसको बॉईल कर रही हूँ, कम से कम इसको 5 से 6 मिनट पकाएं धीरे धीरे। तो ये पक चुका है। चलिए, हम इसको पीना कैसे है देख लेते हैं। मैं इसको ग्लास में कर रही हूँ। आप इसको जब रात को खाना खा लें, सोने के टाइम पे जाएं, तब आप इसको ले सकते हैं। जो नीचे बचा है आप इसको चम्मच में लेके चबा चबा के खा लें, बहुत ही फायदेमंद दूध है, प्रोटीन से भरपूर है, और जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप बीमारी से बिल्कुल निरोग हो जाओगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, और आपको जो सांस फूलती थी ना सीढ़ियाँ चढ़ने में, बिल्कुल बंद हो जाएगी। हाथ पैर जो सुन्न होते थे उसमें बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।